सो गाइस टुडेज आवर मेन टॉपिक इज ऑन आईएलटीएस स्पीकिंग। आईएलटीएस स्पीकिंग दे विच बच्चे की हुंदा है, किन्ने पार्ट्स हुंदे ने, किहड़े-किहड़े पार्ट्स दे विच किस किस टाइप दे क्वेश्चंस आउंदे ने, किवें आपां ओह क्वेश्चंस नूं आंसर करना हुंदा। सो बेसिकली अपनी आईएलटीएस दी स्पीकिंग है जिहड़ी ओह अपनी हार्डली 12 टू 15 मिनट्स तक वैरी करदी है। एग्जाम दा टाइम है जिहड़ा 12 टू 15 मिनट्स हुंदा, जिहदे विच टोटल थ्री पार्ट्स, तीन पार्ट्स होंगे ने गे। फर्स्ट पार्ट इज वी कैन से इंट्रोडक्शन, सैकेंड इज क्यू कार्ड, थर्ड पार्ट इज फॉलोअप्स। ये तीन मेन पार्ट्स होंगे ने बच्चे अपनी आईएलटीएस स्पीकिंग दे। हुण इहदे विच आपां नूं ध्यान देण वाली चीज़ां की ने कि इंट्रोडक्शन दा जिहड़ी उहदे विच किस टाइप दे क्वेश्चन आउंदे ने, क्यू कार्ड आ उसनूं किस टाइप दे नाल आपां फॉलो करना, फॉलोअप्स क्वेश्चन ने जिहड़े उहनां नूं किस टाइप दे नाल आंसर करना गा। सो बेसिकली फर्स्ट पार्ट बच्चे अपना की हो जाता गा इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन दे विच की हुंदा गा, जस्ट नॉर्मल अपनी एक फ्रेंडली कन्वरसेशन हुंदी हैगी। फ्रेंडली कन्वरसेशन मीनस कि एग्जामिनर ने आपां नूं अपना नेम, एड्रेस, वर्क और स्टडी, ये जिहड़े रैंडम क्वेश्चन ने ये हर एक स्टूडेंट नू पूछे जाते हैं आईएलटीएस स्पीकिंग दे विच, जो ये थ्री टू फोर टाइप्स ने। नैक्सट अपने कोले आ जाते हैं रैंडम टॉपिक्स। रैंडम टॉपिक्स का मीनिंग क्यों राजे, जो अपने कोले PDF आउंदी हैगी आईएलटीएस स्पीकिंग दी, जो बुकलेट आउंदी आ उहदे विच अपने कोले टॉपिक्स हुंदे ने, टॉपिक्स लाइक न्यूज़, डेली रूटीन, दैन अपने कोले आ जांदा हिस्टरी, डिफरेंट डिफरेंट अपने कोले जिहड़े टॉपिक्स हुंदे ने उह आपां नूं एग्जाम दे विच थ्री टू फोर टॉपिक्स के उपर क्वेश्चन करते हैं एग्जामिनर आपको कि किस किस टाइप के क्वेश्चन होंगे ने गे। थ्री टू फोर टाइप के क्वेश्चन राजे उन्होंने अपन क्वेश्चन करने ने गे। फोर टू फाइव क्वेश्चन होंगे ने ईच टॉपिक दे विच, फोर टू फाइव क्वेश्चन उन्होंने ये करने हैं। जस्ट ये रीजन की होंगे गा हम आप आंसर किस वे दे विच करना, लाइक एग्जामिनर आपको एक क्वेश्चन आस्क कर रहे हैं। जस्ट टेक एन एग्जाम्पल, एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछा डू यू लाइक रीडिंग, अपने को क्वेश्चन आ। जस्ट बच्चे अवॉयड करया करो कि एग्जामिनर नू यस और नो दे विच आंसर नहीं देना कि यस सर आई लाइक रीडिंग। ट्राई टू रीफ्रेज द क्वेश्चन, रीफ्रेज प्लस एक्सप्लेन। क्वेश्चन नू रीफ्रेज करो, क्वेश्चन नू एक्सप्लेन करो कि वाई यू लाइक रीडिंग। लाइक रीडिंग के उपर आपां नू क्वेश्चन आ, इहदे विच आपां की कह सकते हैं कि रीडिंग इज द बेस्ट मैथड टू लर्न कम्यूनीकेशन स्किल्स, सो डेफिनेटली आई लव टू रीड। ये टाइप आ गई बच्चे कि जो आप एक्सप्लेन करना, रीफ्रेज प्लस एक्सप्लेन कर रहे हैं अपने क्वेश्चन। ये सब तो इंपॉर्टेंट होंगे बिकॉज आप यस नो दे आंसर देने तो रेपीटेशन भी बहुत जो हो जाती है, प्लस बैंड स्कोर भी अपने डाउन जाते हैं। प्लस जे आप रीफ्रेज से एक्सप्लेन करेंगे तो अपने बैंड स्कोर आ जोड़े ऑलवेज अप होंगे ने गे। बहुत वधिया मैथड आ गया ये, जो आप रीफ्रेज करना तो एक्सप्लेन करना क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा बेस्ट मैथड होंगे ये अपने को। नैक्सट ये की होंगे गा बच्चे कि एग्जामिनर हर एक क्वेश्चन के वाई अपन आस्क करते हो, लाइक डू यू लाइक रीडिंग, यस आई लाइक रीडिंग, दैन वाई। आप एग्जामिनर वाई दे पुछन ही नहीं देना, आप जो कहता कि रीडिंग इज़ द बेस्ट सोर्स ऑफ लर्निंग कम्यूनीकेशन स्किल्स, सो डेफिनेटली आई लाइक रीडिंग। अपना वाई है जोड़ा वह प्रॉपर रीजन दे के एक्सप्लेन हो गया कि वाई यू लाइक रीडिंग, क्यों, क्योंकि रीडिंग है जोड़ा वह एक बेस्ट मैथड आ कम्यूनीकेशन स्किल्स नू इंप्रूव करन दा। सो ट्राई करया करो, जिहड़ा फर्स्ट पार्ट आ उहदे विच टू टू थ्री लाइनस दा आंसर दिता, आपां टू टू थ्री लाइनस दे विच आंसर देना गा, प्रोपर आपां रीजन दे के क्वेश्चन नू एक्सप्लेन करना गा। कई कहिंदे ने सर कल्ला यस नो दे विच आंसर दे दो, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स ने उह कहिंदे ने यस दे विच आंसर दे दो, नो दे विच आंसर दे दो, ये बच्चे रोंग मैथड हो जाता। आपां क्वेश्चन रीफ्रेज करना प्लस एक्सप्लेन करना गा। जिन्ना टाइम थोड़ा टास्क वन जिहड़ा सॉरी पार्ट वन उहदा क्वेश्चन तुसीं रीफ्रेज करके एक्सप्लेन नहीं करोगे, एग्जामिनर कंटिन्यू थोनू जिहड़े क्वेश्चन ने उह पुट आउट करते रहेंगे।
ਸੋ ਇਹ ਸੀਗਾ ਬੱਚੇ ਫਸਟ ਪਾਰਟ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕਿ ਕੁਐਸਚਨ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨੇ ਨੇਗੇ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਰੀਫਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ, ਰੀਜ਼ਨ ਦੇਣਾ ਗਾ, ਰੀਜ਼ਨ ਦੇਣਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਸਲਾਈਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਸੀਗਾ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮੇਨ ਪਾਰਟ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਪਾਰਟ ਆ ਬੱਚੇ, ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਪੀਕਿੰਗ ਦਾ, ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿਊ ਕਾਰਡ। ਹੁਣ ਕਿਊ ਕਾਰਡ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਲਾਈਕ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਆ ਬੁੱਕ ਯੂ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਰੈਡ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈਤੀ ਆਪਾਂ ਕਿ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਆ ਬੁੱਕ ਯੂ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਰੈਡ, ਕਿ ਕਿਸੇ ਬੁੱਕ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਰੀਡ ਆਊਟ ਕੀਤੀ ਆ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 4 ਪੁਆਇੰਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਵਿੱਚ ਬੁੱਕ ਫਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ, ਸੈਕਿੰਡ ਵੈਨ ਯੂ ਰੈਡ, ਥਰਡ ਇਜ਼ ਵਾਈ ਯੂ ਚੂਜ਼ ਦੈਟ ਬੁੱਕ, ਫੋਰਥ ਵਨ ਇਜ਼ ਹਾਊ ਯੂ ਫੈਲਟ ਆਫਟਰ ਰੀਡਿੰਗ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਿਊ ਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 4 ਕਿਊਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, 1, 2, 3, and 4 ਕਿਊਜ਼ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ 1 ਮਿੰਟ ਹੁੰਦਾ ਗਾ ਕੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਟੋਟਲ ਇਹ ਆਪਣਾ ਕਿਊ ਕਾਰਡ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਨਾ। ਦੈਨ ਆਫਟਰ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰਿੰਗ 2 ਮਿੰਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਉਹ ਕੰਟੀਨਿਊ ਬੋਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਊ ਕਾਰਡ ਨੂੰ। 1 ਮਿੰਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮਿਲਦਾ, 2 ਮਿੰਟ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਹਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਾ ਗਾ। ਸੋ ਕਿਊ ਕਾਰਡ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਊ ਕਾਰਡ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਟ ਦਾ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਾਰਟ ਕੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਦਾ, ਕਿ ਹਾਊ ਟੂ ਸਟਾਰਟ ਅ ਕਿਊ ਕਾਰਡ, ਹਾਊ ਟੂ ਸਟਾਰਟ ਅ ਕਿਊ ਕਾਰਡ, ਕਿ ਕਿਊ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ। ਹੁਣ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਦਾ ਵੇ ਕੀ ਆ ਬੱਚੇ, ਲਾਈਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੀਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੁੱਛਿਆ, ਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੁੱਛਿਆ, ਫਸਟ ਪਾਰਟੀ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਮੇਕ ਅ ਜਰਨਲ ਲਾਈਨ। ਜਰਨਲ ਲਾਈਨ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਬੱਚੇ, ਕਿ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਕਿਊ ਕਾਰਡ ਦੇ, ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਟੋਪਿਕ, ਕਿ ਟੋਪਿਕ ਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰੋ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਟੋਪਿਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਊ ਕਾਰਡ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਇਆ। ਦੈਨ ਯੂ ਕੈਨ ਸਟਾਰਟ ਫਰੋਮ ਦੀਜ਼ ਪੁਆਇੰਟਸ। 1, 2, 3, 4 ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟੋਟਲ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਬੋਲੋਗੇ, ਫਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਹਾਡਾ ਕਵਰ ਹੋਇਆ। ਦੈਨ ਯੂਜ਼ ਅ ਕਨੈਕਟਰ, ਦੈਨ ਸਟਾਰਟ ਯੂਅਰ ਸੈਕਿੰਡ ਪੁਆਇੰਟ। ਕਨੈਕਟਰ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਸੈਕਿੰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਸਟਾਰਟ ਕਰੋ। ਸੈਕਿੰਡ ਕਵਰ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਥਰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ, ਦੈਨ ਆਲਸੋ ਯੂਜ਼ ਅ ਕਨੈਕਟਰ। ਕਨੈਕਟਰ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਥਰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ। ਦੈਨ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫੋਰਥ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਫੋਰਥ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਵੇਜ਼ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚੇ, ਜਿਹੜਾ ਫੋਰਥ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਵੇਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਆਪਣੀ ਫੀਲਿੰਗ ਪੁੱਛੀ ਗਈ ਆ। ਦੈਨ ਫੀਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਫੀਲਿੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਗੁੱਡ ਔਰ ਬੈਡ। ਦੋ ਹੀ ਆਪਸ਼ਨਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਗੁੱਡ ਫੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬੈਡ ਫੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਮੈਥਡ ਕੀ ਆ ਬੱਚੇ, ਇਫ ਯੂ ਆਰ ਫੀਲਿੰਗ ਗੁੱਡ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਡੀਅਮ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਇਡੀਅਮ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਸਪੀਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁੱਡ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਦੈਨ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋਗੇ, ਓਵਰ ਦਾ ਮੂਨ, ਔਨ ਦਾ ਕਲਾਊਡ 9, ਇਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਡਿਫਰੈਂਟ ਇਡੀਅਮਸ ਨੇਗੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਗੁੱਡ ਨੂੰ, ਗੁੱਡ ਫੀਲਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦ ਨੈਕਸਟ, ਇਫ ਯੂ ਆਰ ਫੀਲਿੰਗ ਬੈਡ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਡ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੈਡ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋਗੇ, ਡਾਊਨ ਇਨ ਦੀ ਡੰਪਸ। ਇਹ ਪਾਰਟ ਆ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕੋਗੇ, ਆਈ ਫੀਲ ਡਾਊਨ ਇਨ ਦਾ ਡੰਪਸ, ਫੋਰ ਬੈਡ, ਫੋਰ ਗੁੱਡ ਵੀ ਕੈਨ ਯੂਜ਼ ਓਵਰ ਦਾ ਮੂਨ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰੋਂ ਪੁਆਇੰਟਸ ਬੱਚੇ, ਇਹ ਚਾਰੋਂ ਪੁਆਇੰਟਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ, ਚਾਰੋਂ ਦੇ ਚਾਰੋਂ ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਣੇ ਕਵਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਕੇ, ਰੀਜ਼ਨ ਦੇਣਾ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੀ ਬੁੱਕ ਸੀਗੀ, ਕਦੋਂ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬੁੱਕ ਚੂਜ਼ ਕੀਤੀ, ਦੈਨ ਹਾਊ ਯੂ ਫੀਲ ਆਫਟਰ ਰੀਡਿੰਗ ਦੈਟ, ਉਹ ਬੁੱਕ ਨੂੰ ਰੀਡ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਕਰਨੀ, ਆਪਾਂ ਜਰਨਲ ਲਾਈਨ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈਗੀ। ਜਰਨਲ ਲਾਈਨ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕਿਊ ਕਾਰਡ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਗਾ ਫਰੋਮ ਆਰ ਫਸਟ ਪੁਆਇੰਟ।
हुण क्यू कार्ड स्टार्ट करन दे लई लाइन आपां किहड़ी यूज कर सकदे आ। क्यू कार्ड स्टार्ट करन दे लई लाइन देखो एक थोनू इंपोर्ट दो तीन मैथड दस दवां कि किस तरह एक क्यू कार्ड स्टार्ट हो सकदा। लाइक एक तुसीं लाइन यूज कर सकदे होंगे हेयर आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट अ नॉवल। बुक पूछा सी आप रीफ्रेज करता कि हेयर आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट अ नॉवल डैट आई रेड 2 weeks ago। एक मैथड आ बच्चे आप एक्सप्लेन करना लाइन नू रीफ्रेज करता जस्ट आप अपने क्यू कार्ड नू लाइक अ बुक डैट यू रीसेंटली रीड। बुक की जगह आप की यूज कर लिया नॉवल, रीसेंटली की जगह की यूज कर लिया 2 weeks ago मतलब रीसेंटली मैं वो बुक नू रीड किया। सैकेंड पॉइंट की आ सकता गा हेयर आई वॉन्ट टू टेल अबाउट अ फैसिनेटिंग नॉवल डैट आई रेड नॉट सो लोंग एगो। के इहदे विच आपां की कर लिया कि एक फैसिनेटिंग नॉवल एक आपां जो यूज कर लिया वर्ड दैन आपां की कर लिया रीड नॉट सो लोंग एगो। सो ये टाइप्स है जिद नाल आपां दो यह मेन मेन इंपोर्टेंट टाइप्स सीगियां दो अपने कोले जिद नाल आपां क्यू कार्ड नू स्टार्ट कर सकते हैं। फर्स्टली आपां की करना सी जर्नल लाइन बनानी है। जर्नल लाइन बनाउण तों बाद स्टार्ट कित्थों करना आ दो लाइनस तों दोनों दे विचों जिहड़ी लाइन दे विच तुसीं कंफर्टेबल हो तुसीं ओह लाइन नू यूज कर सकदे होंगे। सो ये सीगा अपना क्यू कार्ड मीनस स्पीकिंग दा पार्ट टू। इहदे विच आपां सारा देखिया कि किवें किवें एक पार्ट टू आ जिहड़ा ओह एक्सप्लेन हो सकदा। उस तो पहला आपां की देखिया कि ओवरऑल स्पीकिंग दे विच की हुंदा इंट्रोडक्शन दे विच की पार्ट्स आउंदे ने किस वे दे विच आपां उहनां नूं आंसर करना की स्ट्रैटजी यूज करनी है ताकि अपने बैंड स्कोर आ जिहड़े ओह अप आ सकन।